चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की मदद करना नहीं छोड़ेगा। वो ये बयान कई बार दे चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचा और कीव में ऐलान कर दिया है कि हम जो है सो यूक्रेन का मदद करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे लेकिन इसके बाद भी जो है सो हम यूक्रेन का मदद करेंगे। ये कौन बोला है कीव में जाके? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और उसने कहा कि केवल हम आपको मदद नहीं करेंगे बल्कि हम आपको हथियार भी देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। और उसने कहा कि अमेरिका हमेशा यूक्रेन के साथ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति उसे जो है सो 500 मिलियन डॉलर की भी जो है सो मदद कर दिया तुरंत। और इतना ही नहीं दोस्तों कि कहा कि अमेरिका आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। और वहां पे जाके ऐलान भी कर दिया है कि केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरे दुनिया जो है सो यूक्रेन के साथ है, पूरे दुनिया। और जो मैं यूक्रेन के साथ वादा किया हूं वो वादा मैं क्या करूंगा तो निभाऊंगा। और आप इस बात को जानते होंगे दोस्तों कि अगर अमेरिका हमेशा अगर यूक्रेन को अगर मदद करेंगे ना तो ये जंग बहुत लंबा तक खींच सकता है। और अमेरिका तो चाहता है कि ये जंग जो है ना सो और लंबा तक खींच जाए, क्योंकि दोस्तों आप इस बात को जान लीजिए कि अमेरिका का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा ना तो वो रसिया होगा। क्योंकि आप इस बात को भी जानते होंगे कि कोई आदमी दुश्मनी भी करता है ना तो अपने बराबरी वाले इंसान के साथ करता है। अमेरिका जानता है कि अगर रसिया अगर मेरे रास्ता से अगर हट जाए ना तो पूरे विश्व में हम ही जो है सो क्या करेंगे तो राज करेंगे, क्योंकि मेरा टक्कर देने वाला अगर कोई है ना तो वो रूस है। इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि वो मेरे रास्ता से क्या हो जाए तो हट जाए। आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि कभी भी अमेरिका रूस से जो है सो नहीं लगा है, कभी भी वो रूस से नहीं लगा है। आप इस बात को जानते होंगे क्योंकि वो जानता है रूस बेल है, अगर हम रूस पे आक्रमण करेंगे ना तो रूस हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कभी भी अमेरिका जो है सो रूस पे डायरेक्ट हमला नहीं किया है बल्कि हमेशा चापलूसी किया है। वो हमेशा उसको दबाने का कोशिश किया है लेकिन कभी भी सामने से रूस पे अटैक नहीं किया है। इसीलिए अभी देखिए किस प्रकार रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका किस प्रकार मौका का फायदा उठा रहा है। लेकिन ये हरामी ज़ेलेंस्की यूक्रेन समझे तब ना, ये नहीं यूक्रेन समझ रहा है कि मेरा कंट्री क्या हो रहा है तो बर्बाद हो रहा है। और अमेरिका सहित पूरे नाटो देश इसका फायदा उठा रहा है, ये बात नहीं समझ रहा है ज़ेलेंस्की। और मूर्ख ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम भी जो है सो कभी नहीं झुकेंगे और हम भी जो है सो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इसे पूरे अमेरिका और नाटो देश से तो हेल्प मिल ही रहा है। इसीलिए ये युद्ध को चाह रहा है कि लंबा खींचे, इसीलिए ये बोल दिया है कि हम नहीं झुकेंगे। और उधर चीन के बारे में आप लोग को क्या बताऊं, वो कितना बड़ा चमचा है। चीन तो कहता है कि हम रूस के साथ है लेकिन वो हमेशा अमेरिका के चापलूसी करता रहता है। इधर कहता है कि हम आपके साथ है लेकिन वो चापलूसी किसका करता है तो अमेरिका का करता है, क्योंकि ये इतना बड़ा दोगला है, इतना बड़ा चमचा है जो अभी तक किसी का नहीं हुआ है और नहीं कभी होगा। ये केवल अपना प्रॉफिट सोचता है दोस्तों। इस बात को हम बहुत बार जिक्र किए होंगे कि चीन किस प्रकार जो है सो रूस पे अटैक करते रहते हैं, किस प्रकार फायदा उठाते रहते हैं। कहता है हम आपके साथ है लेकिन चापलूसी किसका करता है तो अमेरिका का। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो रूस और चीन एक तरफ है और यूक्रेन अमेरिका और नाटो देश सहित जो है सो पूरे एक तरफ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इससे पहले चीन चाहता था कि ताइवान पे हमला करके ताइवान पे जो है सो हम अपना कब्जा कर ले, क्योंकि चीन कहता था कि तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन ताइवान कह रहा है कि हम स्वतंत्र है, हम किसी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए चीन जो है सो चाहता था कि हम ताइवान पे अपना कब्जा जमा ले। लेकिन आप सोच सकते हो कि पूरे दुनिया को ताइवान से कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए सबसे पहले अमेरिका बोले थे कि अगर चीन अगर ताइवान पे अगर हमला करता है ना तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, पूरे नाटो देश सहित मिलकर जो है सो चीन पे आक्रमण करेंगे। इसीलिए ये दुश्मनी जो है सो अमेरिका और चीन के बीच है। यही कारण से कुछ दिनों से चीन और अमेरिका में बनता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि चीन रूस जो है सो एक तरफ है और उधर यूक्रेन अमेरिका और पूरे नाटो देश एक सहित है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि अपने भारत देश को जो है सो किस तरफ होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे नीचे अवश्य कॉमेंट करके बताना।